शहर विधानसभा सीट से हो सकते हैं प्रमोद बिष्ट। आपको बताते चले, प्रमोद बिष्ट ने किया आवेदन, चुनाव जीतने के बाद कराएंगे क्षेत्र में विकास। प्रमोद बिष्ट समाजवादी पार्टी में अहम भूमिका निभाते हुए बरेली शहर की पहचान सुरमा और माझा को बढ़ावा देंगे। देखिए, इस क्षेत्र में इसके अलावा हमारे किसी बड़े क्षेत्र में यहाँ आबादी के हिसाब से कम यहाँ दो स्टेडियम या और रूटिंग पार्क हैं, तो जैसे ही मुझे मौका मिलेगा तो मैं पार्क पे स्टेडियम पे विजिट। देखिए, शहर में मेडिकल की कमी है, कोई तो और उसके अलावा भी बहुत दिक्कत है शहर में, लोगों जैसे कन्या विद्यालय भी नहीं है। अभी आप बता रहे कोरोना के बाद से कितनी दिक्कत आई, कई उद्योग जो प्रॉपर्टी मांझा उद्योग, आपने देखा जब नरेंद्र मोदी 2013 में आए थे वोटिंग के लिए, तब उन्होंने कहा था कि गुजरात में पतंग बदली के मांझे चले, लेकिन अब 7 साल हो गए उन्होंने यहाँ के मांझा कार्यक्रम के कोई भी कार्य करना तो बहुत दूर की बात है, कोई उन्होंने कार्य सोचा भी नहीं, बल्कि जिनके कारोबार चल रहे थे वो भी चौक। किस तरह से अपने जीत को हासिल करेंगे, किस तरह से उसको आगे विकास की बातें करेंगे, किस तरह की बातें लाएंगे जनता आपके लिए वोट दे। देखिए, मुझे तो लगता है कि भाजपा विधायक ने या भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता ने, मुझे तो लगता है विकास को चुनाव लड़ेंगे। अभी आप परसों मोदी जी को देख लो, कल परसों का एपिसोड देख लो, तो कुल मिला के सारी चीज़ें धर्म पर लाना चाहते हैं, और क्योंकि उन्हें मालूम है धार्मिक भावनाओं से खेलना सबसे ज़्यादा आसान होता है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं घूम करके हिंदू मुस्लिम करना, गलत बातें करना, गलत इश्यूज को लाना, और विकास तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। और अगर उन्होंने जो काम किए हैं, हम तो कहते हैं आपके माध्यम से भाई, तो वो नोटबंदी लाए, हम कहते हैं नोटबंदी के नाम पर जाके वोट मांगे, किसने मना किया, नोटबंदी आप लेके आए, आपने GST लेके आए, आप व्यापारी के बीच में क्यों जाके GST के नाम पर वोट नहीं मांगे, आप लॉकडाउन आपने लगाया भाई, लॉकडाउन योजना आप लॉकडाउन के फायदे बताते, आप इसके फायदे बताते भाई, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सामने आए और नोटबंदी का ऐलान किया उन्होंने, तो उन्होंने कहा था आतंकवाद खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, लोगों को रोजगार मिल जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, न जाने क्या क्या चीज़ें कही थी। तो हम कहते हैं अब तो 5-6 साल हो गए नोटबंदी को हुए, अब उसके परिणाम भी आ गए होंगे, तो भाई उस नाम पर क्यों नहीं मांगते वोट जा करके, क्यों जा करके फोटो खिंचाते हैं मंदिर के सामने जा करके, मंदिर को तो हम भी मानते हैं। देखिए, जाम से जहाँ तक का सवाल है, वहाँ ट्रैफिक व्यवस्था का भी बहुत बड़ा रोल है, आड़े पीछे ठेले वगैरह खड़े होते हैं, रोड़े का चौड़ीकरण ढंग से होना चाहिए, व्यवस्था पूरी बनाई जानी चाहिए, और जो मतलब जहाँ पर भी इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट के को भी जहाँ हमारे पब्लिक वेलफेयर में जहाँ ज़रूरत है वहाँ इंक्रोचमेंट को हटाया जाना चाहिए।